नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है स्पोर्ट्स डाइट। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि हम हार्ड वर्क करते हैं, दिन में 14 घंटे ऑफिस में खड़े रहते काम करते हैं तो न्यू डाइट सिस्टम नहीं कर सकते। कई कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम खेत में काम करते हैं तो न्यू डाइट सिस्टम कैसे करें। कोई लोग जो होते हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, पूरे दिन उनको स्पोर्ट्स में काम करना होता है, खेलना होता है, भाग दौड़ रहती है, तो फिर क्या खाए और न्यू डाइट सिस्टम भी एडोप्ट करना होता है। तो आज मैं उनके लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि फास्टिंग बहुत जरूरी है। सुबह में उठने के बाद 2-3 घंटे फास्टिंग बरोबर करनी ही चाहिए। चाहे आप सुबह में दौड़ने जाते हो, साइकिलिंग करने जाते हो या फिर जिम में जाते हो, कुछ भी वर्कआउट करते हो, लेकिन सुबह में उठने के बाद 4 घंटे का निर्जला करना बहुत ही जरूरी है। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है। तो अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो भी आपको पेट की क्लीनिंग करनी बहुत ही जरूरी है। तो एनीमा ऐसी चीज है कि जिससे हमारी पेट की सफाई होगी, फिर उसके अंदर हम सही भोजन डालेंगे तो उसका हमें फायदा होगा। तो अगर आप छोटे हो, बड़े हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, पतले हो, दुबले हो, बीमार हो कि स्वस्थ हो, लेकिन एनीमा करना जरूरी है। जब भी टाइम मिले, ऐसा नहीं है कि सुबह ही कर लेना है, जब भी टाइम मिले तो दिन में 2 बार करना है। सुबह में भी एनीमा करना है और फिर रात को भी एनीमा करना है। जब भी टाइम मिले तभी कर सकते हो, दोपहर में टाइम मिले तो दोपहर में भी कर सकते हो। तो 4 घंटे का निर्जला फास्टिंग करना है और उसके बाद में हमें जूस पीना है। तो जूस में आप जो भी हरी पत्ती का जूस होता है वो पी सकते हो, 1 ग्लास पी सकते हो, 2 ग्लास, 3 ग्लास, आपके पेट में जितनी जगह है, जितनी एनर्जी आप रिड्यूस करते हो, जितनी कैलोरी बर्न करते हो, कोई भी आप काम करते हो तो जूस बहुत ही जरूरी है। जो ग्रीन लीफ होते हैं, मतलब कि हरी पत्तियां, उसमें बहुत ही ताकत होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम प्रोटीन का पाउडर लेंगे या विटामिन्स का पाउडर लेंगे या कैल्शियम का पाउडर लेंगे तो ही हम में एनर्जी आएगी, ऐसा नहीं है। ग्रीन पत्तियों में सबसे ज्यादा ताकत होती है। तो ग्रीन जूस की भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे कि कौन से ग्रीन जूस कैसे कैसे बनाए जाते हैं। तो ग्रीन जूस के बाद आप फिर भूख लगे तभी सबसे अच्छा फ्रूट है बनाना, तो बनाना आप खा सकते हो। पेट में अगर 3 केले खाने हो तो खा सकते हो, 6 केले खाने हो तो भी खा सकते हो। तो उसके साथ में भी आप और कोई भी जूस पी सकते हो, जैसे कि नारियल पानी 2-3 ग्लास पी सकते हो, या गन्ने का जूस 2-3 ग्लास पी सकते हो, या तो फिर ऑरेंज का जूस 2-3 ग्लास पी सकते हो, तरबूज का जूस 2-3 ग्लास पी सकते हो। तो आपने जितना भी वर्कआउट किया है, आपके शरीर में जितना भी पसीना बह जाता है या एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, वो सारी ये जूस से भी रिकवर हो जाएगी। फिर आपको लंच करना है तो लंच में आप स्प्राउट्स मूंग खा सकते हो। ये जो स्प्राउट्स मूंग होते हैं उसमें बहुत सारा ग्रीन चटनी डाल के, बहुत सारा धनिया डाल के, चाट मसाला डाल के, नींबू डाल के, या फिर उसके अंदर आप अल्फा अल्फा अंकुरित करके भी आप ये सलाद जैसा बना के खा सकते हो। अगर आपको अल्फा अल्फा चाहिए तो भी आप हमारा संपर्क कर सकते हो, हम नेचुरल ऑर्गेनिक अच्छी बेस्ट प्रोडक्ट रखते हैं। और ये जो सलाद है उसके अंदर बहुत सारी ककड़ी डाल दो या फिर बहुत सारा टमाटर डाल दो, बहुत सारा ओनियन डाल दो, ऐसे करके आप चटनी बना के भी साथ में खा सकते हो। फिर अगर फिर भी भूख लगती है तो जब भी मैंगो की सीजन हो तो आप मैंगो खा सकते हो, जब चीकू की सीजन हो तो आप चीकू खा सकते हो। जो नारियल होता है, श्रीफल, जो भगवान को हम चढ़ाते हैं मंदिर में, वो श्रीफल भी आपको खाना हो तो लंच में श्रीफल की चटनी बना के भी खा सकते हो, श्रीफल का दूध बना के पी सकते हो, श्रीफल की स्मूदी बना के पी सकते हो, या कोकोनट मिल्क बना के पी सकते हो, कोकोनट का बटर मिल्क बना के आप पी सकते हो,
या तो फिर जो स्मूदी होती है, मिल्क शेक होता है, वो बना के पी सकते हो। अगर आपको मिल्क शेक बनाना हो तो काजू का दूध बनाइए, या फिर बादाम का दूध बनाइए, या फिर कोकोनट का मिल्क बनाइए। ये जो भी मिल्क होता है उसमें खजूर डालिए, उसके अंदर बनाना डालिए, उसके अंदर चीकू डालिए, ड्राई फ्रूट्स डालिए, और आप ऐसा ड्राई फ्रूट्स का भी मिल्क शेक बना के पी सकते हो। लेकिन रॉ वेगन मिल्क का यूज करना है, डेयरी प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है। तो जब भी भूख लगे तो हमें रॉ फूड खाना है, जितनी बार भूख लगे उतनी बार हमें रॉ फूड खाना है। फिर अगर 5 बजे या 6 बजे आपको शाम को फिर से भूख लगती है तो सुबह से मूंगफली को भिगो दो पानी के अंदर, 7-8 घंटे भिगोई हुई ड्राई फ्रूट खाइए, मूंगफली खाइए, आधी कटोरी खा सकते हो, एक कटोरी भर के खा सकते हो। बादाम है उसको 5-6 बादाम ले लीजिए, 5-6 जो है वो वॉलनट ले लीजिए, मतलब कि अखरोट लीजिए, अंजीर लीजिए, या फिर आप काजू लीजिए, ऐसे जितने भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आपके पास वो ले सकते हो। अगर ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल नहीं हो तो आप जो मूंगफली होती है वो भी चबा के एक कटोरी भर के भिगोई हुई खाओगे तो फुल एनर्जी शक्ति आ जाएगी। तो ऐसी हमें डाइट खानी चाहिए। फिर अगर शाम को 7-8 बजे भूख लगती है तो अनाज का त्याग कर दीजिए और वेजिटेबल्स का बहुत सारा उपयोग कीजिए। बहुत सारा वेजिटेबल्स डाल के 500 ml का आप सूप बना के पी सकते हो, या फिर जो आलू होते हैं उसको बॉईल करके, सिर्फ उबाल के उसमें बहुत सारी चटनी डाल के, मसाले डाल के आप बॉईल करके आलू खा सकते हो, या फिर कोई भी सब्जी जो आपको पसंद हो तो वो सब्जी होती है उसको स्टीम करके खा सकते हो, उसको बॉईल करके खा सकते हो। थोड़ा सा ही उसके अंदर आप मिर्च डालिए, लेकिन टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी मिर्च डाल के, जो भी रेगुलर सब्जी होती है वो 500 ग्राम या 250 ग्राम आप सब्जी भी खा सकते हो। उसके साथ में बाउल भर के आप सलाद लीजिए, जितना भी पेट में भूख लगे इतना फ्रूट लीजिए। तो पूरे दिन ऐसे रॉ डाइट पे आप रहोगे तो भी शक्ति स्फूर्ति का संचार रहेगा। तो आप कोई भी स्पोर्ट्स में एक्टिविटी करते हो तो ये डाइट पे भी हो सकेगी। लेकिन इसके लिए आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि भोजन से शक्ति आती है, मतलब कि पकाए हुए भोजन से ही शक्ति आती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर ऐसे भी है कि जिन्होंने कई साल से पकाया हुआ भोजन बंद कर दिया है, फिर भी बहुत ही एनर्जी के साथ एक्सरसाइज करते हैं, अपना वर्कआउट करते हैं और स्पोर्ट्स में भी खेलते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी ऐसे हो गए हैं कि जो वेगन को एडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट का त्याग कर देते हैं। तो हो सके उतना ये न्यू डाइट सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे तो शक्ति का संचार हो जाएगा। बहुत लोगों के दिमाग में ऐसी भ्रांति होती है कि रोटी सब्जी दाल चावल खिचड़ी परोठा खाएंगे तो ही शक्ति आएगी, ऐसा नहीं होता है। रॉ डाइट सिस्टम करने से भी शक्ति रहती है। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारी 300 से भी अधिक वीडियो है, यूट्यूब की हमारी चैनल है, वो सारी वीडियो देखते रहिए। नो मिल्क एंड नो मिल्क प्रोडक्ट वो भी देख सकते हो, चाय पे चर्चा ये भी वीडियो देख सकते हो, रॉ वेगन मिल्क कैसे बनाते हैं उसकी भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। तो आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें फोन कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955, यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप व्हाट्सएप से भी हमारा संपर्क कर सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।